आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। हालांकि विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, किंतु इस हार के बाद भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं नेताओं में किसी प्रकार की कोई निराशा नहीं है। यही कारण है कि कल 18 नवंबर को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का जन्मदिन कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ मनाया था। वहीं आज 19 नवंबर को भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाने के बाद इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विनय बाकलीवाल का जन्मदिन भी कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ मनाया। शहर कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष जैनेश झांझरी, प्रवक्ता धर्मेंद्र गेंदर, मध्य प्रदेश कांग्रेस हज कमेटी सदस्य इम्तियाज बेलिम ने बताया कि इस दौरान दिन भर सेवा एवं परमार्थिक कार्य भी किए गए। वहीं दिन में प्रिंस यशवंत रोड स्थित शहर कांग्रेस कमेटी के मुख्य कार्यालय पर उत्साह एवं उल्लास के माहौल में विनय बाकलीवाल का जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान बैंड द्वारा सुमधुर जन्मदिन एवं देशभक्ति के गीतों की धुन प्रस्तुत की गई। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं उपस्थित अतिथियों के लिए अल्पाहार की व्यवस्था भी की गई थी। कार्यक्रम का संचालन संजय बाकलीवाल द्वारा किया जा रहा था। आयोजन में बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेताओं ने विनय बाकलीवाल का स्वागत किया। वहीं अनेक कार्यकर्ताओं ने केक लाकर श्री बाकलीवाल से केक भी कटवाया। इस कार्यक्रम के तहत ये हमने एक संकल्प लिया है कि आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस एकजुटता के साथ ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतेगी। कल कमलनाथ जी का जन्मदिन भी मनाया उत्साह से, आज इंदिरा जी का मनाया, आपका भी मनाया, तो क्या कांग्रेस इस बार पूरा मतलब निराश नहीं है इस हार से? कांग्रेस में निराशा नहीं है? कांग्रेस में कभी निराशा नहीं रही है। 1977 में भी कांग्रेस पूरे देश से सफाया हो गई थी, फिर पुनः इंदिरा गांधी जी खुद मैदान में उतरी थी। 1980 में वापस कांग्रेस ने अपना परचम दिल्ली में और मध्य प्रदेश में लड़ा है। तो ये तो राजनीति का दौर है, कभी ऊंच कभी नीच, आज हम नीचे, हो सकता है कल हम तो मैदान में लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जुटेंगे, वापस हम ऊंचाई पर। ऐतिहासिक दिन, ऐतिहासिक तारीख, स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी का, इंदिरा गांधी का जन्मदिन और विनय बाकलीवाल का जन्मदिन, निश्चित रूप से तो ऐतिहासिक प्राणी है। इंदिरा जी ने कांग्रेस को मजबूत किया पूरे देश में और माननीय कमलनाथ जी मजबूत कर रहे हैं प्रदेश में और माननीय विनय बाकलीवाल जी मजबूत करेंगे कांग्रेस को इंदौर के अंदर। ये पूरी रणनीति आगामी जो नगर निगम चुनाव है उसको लेकर के है। दिवाली मिलन समारोह, उसके बाद में आज विनय बाकलीवाल जी का जन्मदिन, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा रहे, उमंग बनी रहे और हम यही चाहते हैं कि आयोजन के माध्यम से हमारे कांग्रेस का कार्यकर्ता साथी और जो नगर निगम में चुनाव लड़ने वाले हैं एक दूसरे से जुड़ करके और बहुत ताकत के साथ वापस से इंदौर के अंदर कांग्रेस खड़ी होगी। और आज जन्मदिन
बना करके हम सब पूरे यही संदेश देना चाहते हैं कि ये जन्मदिन संदेश सद्भावना का हो, कांग्रेस को मजबूत करने का जन्मदिन हो और प्रत्येक कांग्रेस जन आज इस जन्मदिन के माध्यम से एकजुट होकर के पूरे इंदौर शहर की कांग्रेस को मजबूत करे और पूरी ताकत से आगे आने वाले नगर निगम चुनाव में हम कांग्रेस को लेकर के आएंगे। हमारे शहर कांग्रेस के अध्यक्ष विनय बाकलीवाल जी का जन्मदिन हम विगत कई वर्षों से साथ में बना रहे हैं। सभी कांग्रेस जन हम साथ में मिलकर ही ऐसे एकजुट होकर हमारे नेता विनय बाकलीवाल जी का जन्मदिन हम सतत मनाते आए हैं। इस वर्ष भी हम गांधी भवन कांग्रेस कार्यालय पर हमारे कांग्रेस के नेता हमारे अध्यक्ष जामाज अध्यक्ष विनय बाकलीवाल जी का हम जन्मदिन सभी कार्यकर्ता जन यहाँ पर मनाने आए हैं और आज शानदार तरीके से हम हमारे सभी कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है और हम बहुत अच्छी तरीके से हमारा अध्यक्ष जी का जन्मदिन यहाँ पर मना रहे हैं। साथ ही आज हमारे सभी कार्यकर्ताओं के लिए स्वल्पाहार की भी व्यवस्था यहाँ रखी गई है और जितने भी हमारे अन्य गणमान्य नागरिक हैं, अन्य समाज के लोग हैं, जो अलग अलग समाज के लोग भी हैं वो यहाँ आ रहे हैं और हमारे अध्यक्ष जी को बेस्ट विशेष शुभकामनाएँ दे रहे हैं। आज का दिन हमारी लेडी इंदिरा गांधी जी का भी जन्मदिन आज के दिन है, उसी दिन हमारे अध्यक्ष जी का जन्मदिन भी है और आज हम ये दोनों धूमधाम से मना रहे हैं। आज सुबह भी हम इंदिरा प्रतिमा पर जाकर उनका पुष्पमाला से हमने श्रद्धा सुमन अर्पित किया है और यहाँ पे भी हमारे अध्यक्ष जी का हम वेलकम सभी कार्यकर्ता लोग मिलकर कर रहे हैं। धन्यवाद।